9 दिन के लिए देवी दुर्गा अपने भक्तों पर कृपा बरसाने और उन्हें सभी सुख प्रदान करने के लिए धरती पर आती हैं और नवमी पर शक्ति की देवी माता दुर्गा अपने लोग लौट जाती हैं। देवी दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्रि साल में 2 बार मनाए जाते हैं। अश्विन माह में जहां पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष का आगमन होता है, वहीं माता को अति प्रिय नवरात्रि का आगमन भी अश्विन मास में ही होता है। अश्विन माह में शरदीय नवरात्रि करने का विधान है, जो अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक होते हैं। साल 2024 में शरद नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। इस साल नवरात्रि में खास योग बन रहा है। इस साल नवरात्रि में अष्टमी युक्त नवमी और नवमी युक्त दशमी तिथियों का आयोजन होगा। शरद नवरात्रि के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है, सुनिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से और हस्त नक्षत्र में नवरात्रों का आगमन हो रहा है। 3 अक्टूबर को जो स्थिति है, 3 अक्टूबर है, तो उस दिन जब नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो घट स्थापन किया जाता है। घट स्थापन के बाद ही जो पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और विधि विधान से ये नवरात्र 9 दिन तक इसका विधान होता है। 11 अक्टूबर को अष्टमी है, शुक्रवार का दिन है, तो उस दिन अष्टमी तिथि भी है, साथ ही नवमी का भी आगमन हो जाएगा और ये दोनों तिथियां संयुक्त होने से दोनों का उस दिन दोनों ही तिथियां मनाई जाएंगी और कन्या पूजन ये विधि विधान से ये नवरात्रों का कार्य संपन्न होगा। अगले दिन भी प्रातःकाल नवमी है, नवमी के साथ साथ ही दशमी भी आ जाएगी, तो दशहरा भी उसी दिन मनाया जाएगा। इस प्रकार से जो ये नवरात्रे हैं इनकी पूजा ये मतलब प्रतिपदा अर्थात 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक इन नवरात्रों का जो पूजा है विधि विधान से पूजा संपन्न होगी। आश्विन मास के जो नवरात्रे हैं इनका विशेष महत्व होता है। जो शक्ति की देवी माँ दुर्गा है उनकी कृपा सभी के ऊपर बनी रहे और धन धान्य की कोई कमी न हो, तो इसीलिए माँ दुर्गा की विशेष पूजा होती है।